वेलकम बैक टू सनस्लेक क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा विच इज ब्रॉट टू यू बाय zameen.com हर पता हमें पता है एंड पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स। आज अहम मैच था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आज डक लुइस सिस्टम के तहत शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड की जानिब से बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया गया, 401 रन्स बनाए गए थे और पाकिस्तान के लिए ये हदफ बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने जिस तरह शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया, उनकी इनिंग्स में 11 छक्के शामिल थे और 8 चौके शामिल थे। इस तरह बारिश की वजह से मैच मुतासर भी रहा और पाकिस्तान ने ये मैच न्यूजीलैंड को डक लुइस सिस्टम के तहत 21 रन से हरा दिया है और सेमीफाइनल में पहुंचने के अभी भी पाकिस्तान के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल में अब जाएगा इस पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सलीम मलिक साहब और अब्दुर्रऊफ साहब। सलीम मलिक साहब का रुख करते हैं सबसे पहले। सलीम मलिक साहब, लग नहीं रहा था जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से कारकर्दगी दिखाई गई और इस पूरे वर्ल्ड कप में ही जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स स्कोर दे रहे हैं, लेकिन जब 401 के बाद फ़खर जमान बैटिंग पर आए और उनकी जानिब से धुआंधार बैटिंग की गई, छक्के लगाए गए, 11 छक्के उन्होंने आज लगाए हैं, कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखें, फ़खर वो बहुत एक प्लेयर है जिसको हम पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले भी 2-3 मैच पहले हमने कहा था कि इसको खेलना चाहिए, क्योंकि ये वाहद वो प्लेयर है जो बाकी टीमों के साथ अगर आप उसका मुवाजना करें ना तो ये तेज़ खेलता है, कंपैरेटिवली हमारे बाकी ओपनर से बेहतर खेलता है। तो हमें उस वक़्त भी हमें अफसोस हुआ था कि फ़खर को क्यों नहीं इन्होंने खिलाया, और आज उसने प्रूव किया है कि वो वाहद एक प्लेयर था। आज अगर आज आप देखें तो आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच नहीं था, आज न्यूजीलैंड फ़खर का मैच था। बिल्कुल, वो अकेला वाहद एक प्लेयर था। अगर आज 126 वो 81 बॉल पे ना करता तो शायद हम डक लुइस के मेथड पे हम शायद जीत ही ना सकते, क्योंकि वो वाहद प्लेयर था जिसने इतना तेज़ खेला कि वो इतना अंडर प्रेशर ले आया दूसरी टीम को कि हम आसानी से ये मैच जीत गए। तो मैं समझता हूँ एक ग्रेट इनिंग थी, बहुत बड़ी इनिंग थी। उसके साथ मैं एक चीज़ और मेंशन करनी चाहूँगा यार, कि आज आपको देख के लोग हैरान हुए होंगे कि एहसन साहर की जगह कैसे आ गए। यार साहर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा उनके साथ बहुत टाइम गुजरा है। वो बेचारे बीमार हैं, उनके नाक से खून बंद नहीं हो रहा 2-3 दिन से, तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम कर रहे थे। तो आप सबसे दुआ के लिए उनके लिए कहेंगे कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी होने वाली मैं है। मैं असल में साहिर भाई के फैंस के साथ माजरत भी करना चाहता था इंट्रो में कि जो बैठे होंगे देखने के लिए उनको और वो नज़र नहीं आए, तो हम सब बिल्कुल दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। रऊफ साहब का रुख करते हैं। रऊफ साहब, एक इंटेंट जो पाकिस्तान की जानिब से नज़र आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप के स्टार्ट में, जो बाकी टीमों में नज़र आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब एक अहम मैच था, उसमें ये चीज़ नज़र आई और फ़खर जमान जैसे ही टीम में वापस आए उनकी जानिब से ये दिखाया गया कि ऐसे बैटिंग करते हैं, इस तरह बाकी टीमें बैटिंग कर रही हैं, वो आज शो किया गया है, कैसे देखते हैं आज की उनकी इस इनिंग्स को? देखें, वो इसीलिए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है अनप्रेडिक्टेबल टीम है, और इसकी सिलेक्शन भी, टीम सिलेक्शन भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि जो 4-5 बंदे हैं फ़खर जमान समेत, वो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का प्लान था उसका ही पार्ट नहीं थे, और उनको बिल्कुल एशिया कप में लास्ट मोमेंट पर पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, और बाज़ ऐसे थे स्पिनर्स जो हमारे जो स्पेशली यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं है, क्योंकि दो जो हमारे तीनों स्पिनर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वनडे क्रिकेट खेलें। आपने उनको 6-7 मैचेस में ट्राई किया तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान का आज न्यूजीलैंड से। अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाता तो पाकिस्तान बिल्कुल कम्प्लीटली इस टूर्नामेंट से आउट हो जाता, और आज देखें इस इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया की पिच पर जो कि बैटिंग के लिए भी पैराडाइज है और उसके बाद जो स्पिन बॉलर्स के लिए बड़ी इफेक्टिव है, उस पर पाकिस्तान की तरफ से एक भी स्पिनर इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहा था। और ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा हमारे नेगेटिव पॉइंट्स उस वक्त सामने आते हैं ज़्यादातर जब हम मैच हार जाते हैं, मगर जब जीत जाते हैं तो हमारे जो काफ़ी माइनस चीज़ें हैं वो छुप जाती हैं। अगर आपने बेहतर करना, अपने आप को आगे जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट पोजीशन लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जो आपके फॉल्ट्स हैं इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, कि आज एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मैच था इस टूर्नामेंट में आपके लिए,
उसमें आपका कोई भी स्पिनर पार्टिसिपेट नहीं कर सका, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कि आपने जो सिलेक्शन की थी वो इंतहाई गैर मेयारी थी, उस काबिल नहीं थे कि उनको टूर्नामेंट में साथ लाया जाता, और आज इंपॉर्टेंट मैच पे आपने उन सबको बाहर बिठाया और एक ऐसी पिच जो कि स्पिनर्स के लिए साजगार थी उस पर आपने चार सीमर्स के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। ये आप मेरा ख्याल है कि लकी थे कि आप ये बारिश हुई और आप मैच जीत गए, और इसमें फ़खर जमान की जो इनिंग है मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक बड़ी इनिंग्स में से एक है जो कि हमेशा के लिए तारीख में अमर हो चुकी है और याद रखी जाएगी। मगर जो आपने ब्लंडर्स की हैं बॉलिंग में, देखें 400 रन्स आपने करवाए हैं, आपके जो प्रीमियर बॉलर्स हैं उन्होंने 90 रन्स दिए 9 ओवर में, एक ने 90, दूसरे ने भी 90 दिए, एक ने 85 दिए, और कोई भी, और इसमें इफ्तिखार ने 55/1 जो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स थे आपने उनसे बॉलिंग करवाई है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपनी गलतियों को अंडर कार्ड पर डालेंगे हम बेहतर पोजीशन में नहीं आ सकते। ये ज़रूर होगा कि कभी ना कभी हम कोई ना कोई मैच जीत जाया करेंगे किसी एक इंडिविजुअल की बड़ी परफॉर्मेंस की वजह से, मगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी हमारे अंदर। बिल्कुल सलीम साहब, राउत साहब तो बॉलर हैं तो यकीनी तौर पे वो बॉलिंग की जो गलतियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और जैसा कि वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक जो मेजर चीज़ नज़र आई है बाबर आजम की इनिंग्स, उन पर मुसलसल तनकीद हो रही थी कि वो टीम के लिए नहीं खेलते। आज जिस तरह उन्होंने 66 रन्स बनाए हैं, और फ़खर जमान वो देख रहे थे कि वो सिक्सेस लगा रहे हैं, इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको स्ट्राइक दिया है, और जहां पे ज़रूरत पड़ी है कि फ़खर जमान थोड़ा सा रुके हैं तो वहां पे उन्होंने भी चौके मारे हैं। आज बाबर आजम की इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? देखें, जो जितना बड़ा टोटल था अगर आज भी वो इस तरह ना खेलते तो मेरा ख्याल नहीं था, आज तो किश्तियाँ जला के खेलना पड़ना था और वो खेलना चाहिए था। एक अच्छी चीज़ थी, अगर आज भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो बाबर का इतना इम्प्रेसिव नहीं है। उसकी रीज़न ये थी कि फ़खर ने मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं खेले, क्योंकि वो ये एक अच्छी चीज़ होती है अच्छे बैट्समैन की कि जब एक बैट्समैन अच्छी स्ट्राइक से स्कोर कर रहा है जैसे फ़खर करता है हमेशा से, तो उसने स्ट्राइक उसको ज़्यादा दी ताकि वो स्कोर किसी जगह रुके ना। हाँ, अगर फ़खर आउट होते तो शायद फिर प्रेशर पड़ता बाबर पे और बाबर तेज़ खेलने की कोशिश करते, मगर शुक्र है कि इस सिचुएशन में हम नहीं आए, क्योंकि अभी भी 200 स्कोर पड़ा था, और अगर फ़खर आउट किसी वक्त भी होते तो हम अंडर प्रेशर ज़रूर आते। अच्छा, फ़खर की जैसा कि आप बात कर रहे हैं, असल प्रॉब्लम क्या फ़खर आउट ऑफ फॉर्म थे या कुछ तकनीकी वजूहात थी? जैसा कि एशिया कप में भी हमने देखा, फिर वार्म अप मैचेस में हमने देखा, फिर जो पहला मैच उन्होंने खेला वो उस तरह परफॉर्म कर ही नहीं रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, लेकिन अब बीच में गैप के बाद जब कुछ मैचेस का उन्होंने रेस्ट किया है उसके बाद वापस आए हैं, तो वही फ़खर जमान दोबारा से हमें नज़र आए हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्म करें और खेलें। देखें, फ़खर जैसा प्लेयर है ना वो आपको कभी भी कंसिस्टेंट नज़र नहीं आएगा। अब उसमें आएंगे पैचेज, आएंगे कभी वो स्कोर करेगा, मगर जिस दिन वो करेगा वो इसी तरह करेगा, क्योंकि वो प्लेयर है जो इंडिविजुअल अपने लिए नहीं खेलता। बिल्कुल, बहुत सारे प्लेयर हैं जो आके पहले इनिंग बिल्ड करते हैं, एक एक दो दो से शुरू होते हैं। ये तो बांग्लादेश के मैच के बाद भी फ़खर ने कहा था कि अगर मैं सेंचुरी करना चाहता तब भी मैं कर सकता था, लेकिन चूंकि हमने नेट रन रेट ज़्यादा करना था, बेहतर करना था, तो फिर मुझे तेज़ खेलना पड़ा। क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है, वो खेलता है टीम के लिए, और वो जब भी आप उसको देखेंगे जिस मैच में भी देखेंगे या वो आउट हो जाएगा या वो तेज़ खेलेगा, क्योंकि वो खेलता टीम के लिए, जिस सिचुएशन में जैसी ज़रूरत होती है उसकी क्लास है कि वो उसी हिसाब से खेलता है, वो विकेट लूज़ होने से वो नहीं डरता, और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे मैचेस में उसे स्कोर क्यों नहीं हुई, अगर वो चाहता तो सिंगल सिंगल करके अपनी इनिंग बिल्ड कर सकता था, मगर वो चूँकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, वो खेलते ही उनका गेम ही खुला होता है। आप न्यूजीलैंड के देख लें, बहुत सारे ओपनर्स देख लें, वो डिकॉक को देख लें, वो आके आप पे अटैक करता है हमेशा, उस अटैक से फ़ायदा ये होता है कि बॉलर अंडर प्रेशर आ जाता है। तो मेरा ख्याल फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो हमारी टीम में जो कभी भी जब भी चलेगा वो इसी तरह खेलेगा, वो रुक के नहीं खेल सकता। बिल्कुल। अच्छा राहुल भाई, ये इंटेंट जो फ़खर जमान की है जिस तरह सलीम साहब बात कर रहे थे, ये हमें बाकी प्लेयर्स में क्यों नहीं नज़र आती? हमने देखा इससे पहले इमामुल हक भी टीम में शामिल थे, ऐसा लगता था कि वो अपने लिए खेलते हैं, वो अपनी एवरेज के लिए खेलते हैं, हालांकि कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं चाहता कि वो टीम के लिए परफॉर्म ना करे, बाकी प्लेयर ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या उनको टीम में जगह बनाने की होती है कि अगर वो आउट हो गए तो वो टीम से निकाल दिए जाएंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक हैबिट है आपको मैच जितवाने की और टीम के लिए खेलने की, जो कि डेवलप करनी पड़ती है राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। आप अगर अपना पिछला 5 साल का ग्रास रूट का ढांचा उठाकर देखें तो उसमें इन्होंने 6 टीमों का एक स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया था, यानी कि एक ही टीम थी उसमें कोई 10 टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे और बाकी 2-4 जो पुराने फर्स्ट क्लास प्लेयर थे वो खेल रहे थे। अब हुआ क्या कि उस जो पिछले 3 साल में आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास के 98% मैचेस ड्रा पे ख़त्म हुए, उसकी वजह क्या थी कि हर प्लेयर की ये कोशिश थी कि वो कोई 200 बॉलें खेल के 50-60 रन करे, उसकी एवरेज बेहतर है ताकि उसको इस साल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिले और अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, प्लेयर्स के पास कमाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा था रीजनल क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान की हाइएस्ट लेवल की क्रिकेट है जहाँ से लोग पाकिस्तान की टीम में आते हैं परफॉर्म करके। अब हर बच्चे की ये कोशिश थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी पोजीशन सेव करूं अगले सीज़न के लिए। अब जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे इस तरह के कंपटीशन डोमेस्टिक में करवाते हैं तो वो एक आदत बिल्ड होती जाती है आपके अंदर, जब वो आदत डेवलप होती है तो वही आप कल्चर लेकर पाकिस्तान की टीम में आते हैं। तो वहाँ भी यही कल्चर आपको नज़र आया कि जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे वो अपने लिए सेल्फिश इनिंग खेल रहे थे, उनके लिए पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं थी, उनकी अपनी ज़ात प्रायोरिटी थी। ये जिस कल्चर की बात आप डोमेस्टिक में कर रहे हैं ये कोई अभी की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से यही चीज़ चली आ रही है, तो इस पर काम क्यों नहीं होता है? हमने इस डोमेस्टिक में भी देखा जो टेस्ट खेले गए हैं वहाँ पे भी यही 600-700 स्कोर बन रहे हैं। अब ODI की बात आई है तो वहाँ पे बॉलिंग पिचेस हमें नज़र आ रही हैं, हमने देखा जो नसीम शाह के भाई उन्होंने भी 6 विकेटें ली हैं और 50 पे 6 आउट हो रहे हैं, 70 पे ऑल टीम आउट हो रही है, तो ये चीज़ें बेहतर क्यों नहीं की जाती जबकि देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। देखिए, वो जहाँ की आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का या इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो क्यों डिफरेंट है, वहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, वो एजुकेटेड है, उनको पता है कि हमने इस जगह से कहीं नहीं जाना, हमारी जगह सीमेंटेड है और वही स्ट्रक्चर में रोल होते रहते हैं, उनको प्रेफरेंसेस मिलती हैं उनकी क्वालिफिकेशन पे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस मिलती हैं आपकी दोस्ती यारी पे और ओब्लिगेशन पे। जब ओब्लिगेशन का खेल यहाँ पे चलेगा, आप अपने अपने बंधु को ओब्लाइज करेंगे कोचिंग में, तो वो फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। वो क्या करते हैं, वो कोचेस प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान के मुफाद में पिचर नहीं तैयार करते, वो अपने मुफाद में देखते हैं कि अगर मैं किसी ना किसी तरीके से मेरी टीम क्वालिफाई कर जाए और मुझे पाकिस्तान की ए टीम अंडर 19 या पाकिस्तान की जूनियर टीम का टूर मिल जाए एज ए कोच, वो ये नहीं देखते कि 20 मेरी वजह से। मुझे याद है कि मैं जब खेलता था फर्स्ट क्लास तो पिंडी इस्लामाबाद के लड़के क्या शिकायत करते थे, पूरे 10 मैचेस के बाद जो हाईएस्ट स्कोरर था उसके 200 रन थे। मैंने कहा जी ये क्या, आपके तो बड़े अच्छे प्लेयर है, वो कहते हैं हमारा कोच ग्रीन विकेट में आता है तो वो समझता है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी टीम सीमर उनके पास अच्छे थे, दूसरी टीम को आउट कर दे जल्दी, उनकी टीम वो चैंपियन ट्रॉफी जीती है काजन ट्रॉफी और उस कोच को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी जगह पर ओब्लाइज कर दे। मसलन को उसको कोई परवाह नहीं कि उसकी टीम किस तरह खेलती है, उसको परवाह थी सिर्फ अपनी ज़ात की, और ये पूरे पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर फ्लॉरिश कर रहा है। जब तक आप इसको डिमोलिश नहीं करेंगे और मेरिट पर काम नहीं करेंगे, मेरिट पर लोग नहीं लाएंगे, आपका ये स्ट्रक्चर कभी भी प्रिवेल नहीं करेगा। अच्छा सलीम भाई, बात करेंगे पाकिस्तान की आज की बॉलिंग की और आज की क्या पूरे वर्ल्ड कप की बॉलिंग की, लेकिन आगाज़ वहीं से करेंगे जहां से रऊफ भाई ने छोड़ा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। हमने देखा कि जो इंडिया के बॉलर हैं, आप सिराज की एग्जाम्पल उठा के देख लें, आप उनके डोमेस्टिक मैचेस देख लें उन्होंने कितने खेले हैं जिसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए आए, आप हारिस रऊफ के देख लें, शाहीन के देख लें, उन्होंने कितने खेले हैं, तो क्या वजह यही है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि आपने डोमेस्टिक ही नहीं खेला होता, आपने सीखा ही नहीं होता? यार ये हम ना ऐसे पिछले कई दिनों से इस पे बात कर रहे हैं कि होता क्या है कि ये जो लीग क्रिकेट हो रही है इसमें इतना ज़्यादा ये लोग खेल रहे हैं 20 ओवर के मैचेस कि इनको आदत ही नहीं है 10 ओवर करने की। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ इनको 2.5 मैच खेलने पड़ रहे हैं, 4-4 ओवर की आदत होती है ना, तो जब 10 ओवर करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। वो रऊफ और हम पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं कि ये कोई लॉ होना चाहिए, कोई ऐसा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जो बंदा नहीं खेलेगा, हाँ लीग क्रिकेट जिसने खेलनी है उसकी टीम अलहदा होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये रुक नहीं सकती क्योंकि इतनी दुनिया में ये फैल चुकी है लीग क्रिकेट, इसके लिए 20 ओवर्स के मैचेस के लिए टीम आपको सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए 50 ओवर टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि वो होता क्या है कि जब कोई बंदा एक सीज़न 2 या 3 50 करता है ना तो हम में से ही बैठ के लोग और मीडिया इतना शोर मचाता है उसके लिए कि ये पाकिस्तान को पता नहीं क्या मिल गया, विव रिचर्ड मिल गया। उसके बाद होता क्या है
कि उससे बेचारे से स्कोर नहीं होता। आपने पीएसएल के कई ऐसे प्लेयर्स को देखा होगा जो कि पीएसएल में परफॉर्म की बेस पे इंटरनेशनल लेवल पे उनको सिलेक्ट किया गया और इंटरनेशनल लेवल पे आके उन्होंने इतनी मार खाई कि वो दोबारा कभी नजर नहीं आए। हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पे बात करेंगे जो आज के मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है और पूरे वर्ल्ड कप में ही यही रूटीन देखी गई है। के इम्पॉर्टेंट मैच के हवाले से डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह न्यूजीलैंड को आज शिकस्त से दोचार किया, बैटिंग लाइन के बारे में तो बात हो चुकी है, जिस तरह फ़खर जमान की जानिब से आज बैटिंग की गई और बाबर आजम ने भरपूर उनका साथ दिया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में मुसलसल लैग कर रही है, आज के मैच के हवाले से भी बताएं तो शाहीन शाह आफरीदी ने आज 10 ओवर कराए, कोई विकेट हासिल नहीं की और 90 रन उन्होंने दिए। हसन अली की जानिब से एक विकेट ली गई 10 ओवर में, लेकिन 82 रन उन्होंने दिए, जबकि हारिस राउफ जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में ही महंगे बॉलर साबित हो रहे हैं, उन्होंने 10 ओवर में 85 रन दिए और एक विकेट हासिल की, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर जिनको चांसेस तो कम ही मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो स्क्वाड के साथ हमेशा से सेलेक्ट होते आए हैं, 10 ओवर में उन्होंने 60 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, जबकि इफ्तिखार अहमद जो कि एक वाहिद पांचवें बॉलर थे आगा सलमान के साथ, जिन्होंने 8 ओवर में 55 रन दिए और एक विकेट हासिल की, आगा सलमान ने भी आज 2 ओवर किए और 21 रन दिए। अब्दुलरऊफ साहब से इस मुतालिक बात करते हैं। अब्दुलरऊफ साहब, वही जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वही पाकिस्तान का वीक है, वहाँ से कोई परफॉर्मेंस निकलती नहीं है, कोई प्लेयर वहाँ पे खेलता नहीं है, क्या ये जो सारी लाइन आज बॉलिंग लाइन वर्ल्ड कप में सेलेक्ट है, युवाज के मैच में खेली हुई है, क्या इन्होंने डोमेस्टिक खेले हुए थे, क्या इनको डोमेस्टिक बेस पे सेलेक्ट किया गया जो आज परफॉर्म करते या ना करते, वो सवाल बाद में होता। हम शाहीन से आगाज़ करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी जो शाहीन नज़र आते थे ना इस वर्ल्ड कप में वैसे नज़र आए, हालांकि वो 15 विकेटें ले चुके हैं, लेकिन जैसा कि वो पहला ओवर आके कराते थे हर जो बैट्समैन होता था वो उनसे डरता था, ऐसे ही हमने श्रीलंका में भी देखा जो श्रीलंकन जो परफॉर्मेंस वहाँ पे इनकी थी, वहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बाकी जो मैचेस थे शाहीन कहाँ पे लैग कर रहे हैं। इनकी स्पीड भी आपने देखा 140-42 पे करवाते थे जो कि अब 34-35 पे आ चुकी है, क्या वजह है, क्या जो ज़्यादा खेलना है, टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, इनको रेस्ट नहीं दिया जाता, T20 खेलते हैं, फिर लीग्स भी खेलते हैं, क्या ये वजह है कि इनकी स्पीड कम हो गई है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। देखें, जो शाहीन और हसन का मामला ये बाकी फास्ट बॉलर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि शाहीन ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, केरल से खेलता रहा और ये काफ़ी लंबी से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और अर्ली ऑन बहुत अच्छा था, ये इसको बॉलिंग की भी सेंस थी, इसकी टेस्ट क्रिकेट भी खेलता रहा, इसने वनडे भी खेली, इसने T20। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये अनफिट हुए, इनका जो नी का लेगामेंट था वो डैमेज हुआ, उसके बाद इनको इन्होंने साथ रखा, इससे रेस्ट नहीं करवाई, वो मज़ीद डैमेज हुआ, उसके बाद फिर जब रिहेबिलिटेशन करवा कर ये वापस आए हैं तो फिर इन्होंने दोबारा लंबी क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, बजाय कि ये दोबारा फर्स्ट क्लास में जाते, अपना जो इनका एक्शन था उसको मुकम्मल करते, ये बहुत ज़्यादा वो लीग क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। लीग क्रिकेट की वजह से इनका वो जो बॉलिंग की एक लेंथ होती है जो कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में यूटिलाइज होती है, वो बन ना सकी। अब ये T20 के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, बेसिक जो मेरा ख्याल है कि इसमें आप ब्लेम शाहीन को नहीं दे सकते, जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है उस पर ब्लेम आता है कि जो हर बॉलर होते हैं उसके बायोमैकेनिक्स बॉलिंग के डिफरेंट होते हैं, उसके मसल्स डिफरेंट यूज़ होते हैं, कोई नीक से बॉलिंग करता है, कोई शोल्डर बॉलर होता है, कोई हिप डोमिनेंट बॉलर्स होते हैं, तो हर एक को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये बेसिकली हैं नी डोमिनेंट बॉलर जो शाहीन आफरीदी हैं, ये सोच जो इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि आप तेज़ भाग के आके तो बॉल तेज़ कर सकते हैं, नी डोमिनेंट बॉलर कभी भी उसको वो डिपेंडेंट नहीं होता अपने रन अप से कि वो तेज़ एक्सेलरेट करेगा तो वो तेज़ बॉलिंग करेगा, वो डिपेंडेंट होता है सारा अपने नी पे कि किस हद तक वो अपने बैकफुट नी पे वो प्रेशर डालता है और उसके बाद डिलीवर करता है। ये अब क्या करते हैं, ये क्योंकि अपना जो फ्रंट लेग है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका पीछे वाला नहीं है वो थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है और ये उस खामी को दूर करने की बजाय ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तेज़ भाग के बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है वो भी 5-6 yards कम हो गई है और इनकी लेंथ थोड़ी सी पीछे आ गई है। लेंथ पीछे आ गई है तो अब इनको चाहिए कि जब स्पीड कम हुई है तो ये फिर एक्यूरेट हो जाएं, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें, मगर इनके दिमाग में अभी वही स्पीड है 145, 144, अब ये उस लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे इनको रन कंसीड होते हैं,
तो अब ये मेरा ख्याल है कि किसी जो अगर कोई अकलमंद बंदा वहाँ पे बैठा हो तो वो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है या समझा सकता है, क्योंकि ये टू अर्ली अपने कैरियर की स्टेज में इस वक्त तो ना तो बॉलर को इतना ज़्यादा अपनी बॉडी का पता होता है और ना वो इतना ज़्यादा अपने आप को हैंडल कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ देखनी चाहिए कि और अच्छा कोई उनके साथ जो कोच है उसको हायर करके लगाना चाहिए ताकि उसकी जो बेसिक है उसको ठीक करें। अच्छा से एसएन, सॉरी मैं इसको ऐड कर दूँ, देखें जब आप अनफिट होते हैं ना कोई भी किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, चाहे T20 हो 50 ओवर्स हो, तो आपको खुद पता होता है कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। आप खुद डिसाइड आपको करना चाहिए। अब आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि T20 में लीग में पैसा इतना ज़्यादा है कि आप ना उसको छोड़ते नहीं। बिल्कुल, जब आप छोड़ते नहीं तो आप अपनी इंजरी के साथ खेलते रहते हैं, फिर वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप शहीन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो उस पेस से, जैसे अभी आपने कहा कि 140 पे करते थे, अब 136-137 से ऊपर नहीं जा रहे। जब वो नया बॉल, आप खुद कह रहे थे कि जब नया बॉल करते थे उस पर आउट करते थे, उसकी रीज़न ये थी कि वो पेस से डिसीव करते थे बैट्समैनों को। अब चूँकि पेस कम हो गई है इसलिए लोगों को मुश्किल नहीं हो रही उनको खेलने में। तो मेरे ख्याल अगर कोई भी प्लेयर अगर अपने साथ और टीम के साथ सिंसियर हो तो उसको कभी भी फिटनेस लेवल पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि यार ये मेरे लिए भी नुकसानदेह है, टीम के लिए भी है, और बाकी रौफ वगैरह की अगर आप बात करें तो ये देखें ये फर्स्ट क्लास इतनी ज़्यादा नहीं खेले हुए। मेरा ख्याल रौफ कुछ मैचेस खेले हैं। बिल्कुल, अब उनको हम पिछले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, जब ये फिर लंबे ओवर्स के लिए जाते हैं ना तो ये स्ट्रगल करते हैं, फिर इनकी लाइन पीछे को आनी शुरू हो जाती है। जैसे रौफ कह रहे थे कि आगे बॉल गिरती नहीं है, और एक तो वैसे भी वो बहुत पीछे से बॉल करता है, और आप अक्सर देखें शॉर्ट पिच बॉल उसकी, अक्सर शॉर्ट पिच बॉल गिरती है, उसकी रीज़न ये है। मैं माजरत आपको काटने के लिए आपसे भी जवाब चाहूँगा और आपसे भी चाहूँगा कि हारिस, रऊफ अक्सर जब बॉल करते हैं तो एक मेरे अपने माइंड में एक चीज़ आती है कि शायद वो अभी तक टेप बॉल की मैंटेलिटी से निकल नहीं सके। देखें वो बेसिक वही चीज़ ये जो सलीम भाई ने बात की है कि ये चीज़ें थी, वो देखें वो आए एग्जैक्टली टेप बॉल से ही हैं। वो उसने कभी खुद ये नहीं कहा कि मैं हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता रहा या किसी क्लब से खेलता रहा या मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम से आया हूँ। खुद एडमिट करते हैं कि वो टेप बॉल से आए। आगे जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो किस लिए बिठाया हुआ है, जब आपने उसको पाकिस्तान के लिए तैयार करना, आप उसको मेगा इवेंट्स खिलाने हैं, आपने उसको 50 ओवर्स क्रिकेट खिलानी है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें जो उसका क्या उसको कहते हैं चेंजिंग लानी चाहिए थी, जो उसका एक्शन था उसको बेहतर करना चाहिए था। अब वो उसी एक्शन से जिस तरीके से वो टेप बॉल पकड़ के भागता था, एक साइड पे भागते हैं उसी तरीके से भागते हैं। अब टेप बॉल में ये है कि आप नो बॉल से बचने के लिए पीछे से बॉलिंग करते हैं, तो वो दो वो कोई 2 फुट क्रीज से पीछे से बॉलिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाती है, शॉर्ट आ जाती है, पेस उसकी ज़्यादा है, तो बैट्समैन को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, उसको जस्ट मीट करना पड़ता है और उसको बाउंड्रीज वगैरह लग जाती हैं। तो ये चीज़ें जो कोचिंग स्टाफ देखें ना, ये अभी नहीं आया, 3-4 साल से तो है टीम के साथ, तो 3-4 साल में आपने करोड़ों रुपया तो कोचिंग स्टाफ पर खर्च किया ना, अगर वो यही चीज़ नहीं इम्प्रूव कर सकते तो इसका मतलब है कि फिर आपने जो कोचिंग स्टाफ वहाँ पर रखा हुआ वो मियारी नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो प्लेयर्स को ट्रेन कर सकें। अच्छा सलीम भाई, मैनेजमेंट है कहाँ पे? 40 ओवर फास्ट बॉलर्स ने कराए हैं, आज आपने कितने यॉर्कर देखे? अगर मार पड़ रही थी, सारे फास्ट बॉलर को मार पड़ रही थी, कितने यॉर्कर कराए गए फास्ट बॉलर की तरफ से? यार ये विकेट वैसे तो 4 फास्ट बॉलरों के लिए थी नहीं। अगर हो गए ठीक है, आपको मार पड़ रही है, आप स्ट्रेटजी चेंज करें, जब आपने लंबी जैसे हम बार बार कह रहे हैं लंबी बॉलिंग ना की हो ना तो आप यॉर्कर कर ही नहीं सकते, आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं होती इतनी कि आप उस आगे बॉल फेंक सकें। ये रिवर्स स्विंग होएगी तो यॉर्कर होएंगे, हमारी रिवर्स स्विंग होती नहीं। पिछले मैच में आपको बांग्लादेश के मैच में हर चीज़ नज़र आई होगी, यॉर्कर भी नज़र आए होंगे, बॉल भी नहीं खेली जा रही, उसकी रीज़न ये थी कि हमारी रिवर्स स्विंग हो रही थी। तो जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास में जाके, आपकी स्ट्रेंथ नहीं होएगी तो आप आगे बॉल नहीं कर सकते, फिर आप भागते हैं, फिर फास्ट बॉलर की कोशिश होती है कि मैं किसी तरह मैं बच जाऊं, ओवर मेरा निकल जाए, तो उसमें फिर मार आपको अच्छा बैट्समैन तो नहीं जाने देगा ना। तो हम बार बार इसलिए कहते हैं, देखें आज हम मैच जीते हैं ना, जीतें हमारी छुप गई, बिल्कुल 400 स्कोर के बावजूद हम सिर्फ फ़खर को प्रेस कर रहे हैं, उसकी इनिंग को याद कर रहे हैं,
हम रविंद्रा की इनिंग को भी भूल गए हैं, विलियमसन की भी इनिंग को भूल गए हैं, हम सब कुछ भूल गए, हम अपनी इवन अपनी बॉलिंग को भी भूल गए हैं। फखर के लिए तो चेयरमैन पीसीबी ने 10 लाख का इनाम का भी ऐलान कर दिया। उसके लिए तो मेरा ख्याल 10 करोड़ का करना चाहिए जितनी बड़ी इसने इनिंग खेली है। मगर बात यह है कि हम जीत जो है ना बहुत सारी चीज़ें छुपा देती है, मगर हमें अगले मैच में ये सोचना चाहिए क्योंकि हमारे बड़ा अगला क्रूशल मैच है। देखें बेंच पे एक जमान बैठा हुआ है, अभी आपने नया लड़का वसीम खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में अगर कोई फॉर्म में भी है, इवन आप मैच जीत भी गए हैं, तो आपको जमान बुरा बॉलर नहीं है, वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करता है, मैंने उसको देखा है। और एक वैसे भी आपको जब एक आपका अच्छा जिस पे आप रिलाय कर रहे हैं जैसे रऊफ है या उसको खिलाया है हसन को, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार उन्हीं को चांस दें, आप अपने जो बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ वो बेहतर बॉलिंग करता, लेकिन वो 15 में नहीं है ना, वो खेल तो नहीं सकता। जमान 15 में नहीं है, आप देखें ना अनफॉर्चुनेटली वो टीम में नहीं है। अगर जो 3 स्पिनर टीम में रखे हुए हैं उनकी जगह ही नहीं बन रही बेचारों की। अगर वैसे मैं बताऊँ, मुझे वो लड़का जमान बड़ा पसंद था, इनको आप देखें ना, हम बार बार कहते हैं यारी दोस्ती में सिलेक्शन ही हमारी ठीक नहीं होती, ठीक है अब 3 स्पिनर्स पे आ जाएं। अच्छा स्पिनर्स पे माजरत आपको तल्ख कलाम के लिए, पॉइंट्स टेबल पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है और किसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से, उस मुतालिक बात करेंगे जिस तरह इस वर्ल्ड कप में स्पिन डिपार्टमेंट की जानिब से कारकर्दगी दिखाई गई है। सलीम साहब इस मुतालिक बात कर रहे थे, सलीम साहब शादाब खान हों या उसामा मीर हों, आगा सलमान भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं, जबकि इफ्तिखार को तो हमने देखा कि 5वें स्पिनर के तौर पर भी आप खेले हैं। यारी दोस्ती के हवाले से बातें काफ़ी की जाती हैं, आप समझते हैं इसमें कोई हकीकत है कि वाकई यारी दोस्ती की बेस पे ये स्पिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया गया, जिस तरह शादाब की कारकर्दगी थी, फिर नवाज की कारकर्दगी जिस तरह हमने माजी में देखी। यार वो बज़ाहिर तो देखें, आज हमें क्यों 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ा, अगर हमने अच्छी सिलेक्शन की होती तो मेरे ख्याल 4 फास्ट बॉलर के साथ आप ना जाते, आप एक स्पिनर तो इंडियन जैसी विकटों पर जहाँ बाकी जितनी भी टीमें हैं वो अपने स्पिनर्स यूज़ कर रही हैं, बहुत एक हम हैं जिन्होंने इस मैच में स्पिनर को बिल्कुल ही बाहर बिठा दिया, तो ये सिलेक्शन ही है ना, आप खुद प्रूफ कर रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, कि हम स्पिनर खिला ही नहीं रहे। तो ये हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं एहसन के आके ना, इनको बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा, कि आप जब किसी भी टूर पे जाते हैं ना, किसी टूर पे, अब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट वहाँ पे खिला लें 4 फास्ट बॉलर। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कि आप इंडिया गए हैं, आपका पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल आप इवन बांग्लादेश चले जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंडीशन में कौन से बॉलर बेहतर हैं। तो आप अगर सिलेक्शन, अगर जो आप बात कर रहे हैं यारी दोस्ती में, वो हम पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि अगर आप अपने दोस्तियाँ निभाएंगे तो फिर आपको छुपाना पड़ेगी चीज़ें, फिर आप फास्ट बॉलर खिलाएंगे, कभी आप बॉलिंग करेंगे, कभी मैं करूँगा जैसे इफ्तिखार कर रहा है या आगा से करवाएंगे, बिल्कुल तो ये फिर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो मेरा ख्याल आइंदा के लिए जो सिलेक्शन होनी है उसमें बड़ा सोच विचार के इनको देखना चाहिए, और अगले मैच के लिए भी मेरा ख्याल है इनको बैठ के सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि आज तो जीत गए, अगले मैच भी क्रूशल है तो उसमें क्या टीम खिलानी चाहिए, वो विकेट और सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो गई हुई है वहाँ, इतने लोग गए हैं, इनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगले मैच के लिए क्या करना है। अच्छा रऊफ साहब, आप समझते हैं कि आज जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए गए हैं वो एक डर था, जो जिस तरह हमने पिछले मैचेस में देखा कि बैट्समैन आउट ही होते चले गए, तो वो एक डर था कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर लिया जाए ताकि हमारी बैटिंग कोलैप्स ना हो, हालाँकि विकेट ऐसी नहीं थी कि 4 फास्ट बॉलर खिलाए जाएँ। देखिए मेरा नहीं ख्याल के डर था, क्योंकि आप अगर इंडियन पिचेस की पास्ट हिस्ट्री भी लगा लें और प्रेजेंट जिस तरह वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, आप देखें कि जो लास्ट मैच हुआ अफगानिस्तान का नैदरलैंड के खिलाफ, उन्होंने 4 स्पिनर से खेला, उसके बाद जो इंडिया का और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए, ठीक है। माजर के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जो बैट्समैन एक्स्ट्रा ऐड किया, आगा सलमान को ऐड किया, नवाज़ या शादाब उसामा मीर की जगह, उसी पर मैं आ रहा हूँ जी, उसी पर आ रहा हूँ,
उसी पे आ रहा हूँ। वो ये है कि इनके पास स्पिनर था ही नहीं, ये इन बेचारे टाइम पास के लिए सिलेक्शन कमेटी ने साथ भेजे थे। इनको एशिया कप से साथ कैरी कर रहे थे, पिछले दो साल से साथ कैरी कर रहे हैं ये जो आपके तीनों स्पिनर्स हैं। एशिया कप में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, पिछले दो साल इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, करंट जो वर्ल्ड कप हुआ है वार्म अप मैचेज हुए सात मैचेज में क्या परफॉर्मेंस थी, जब बिल्कुल ये फ्लैट आउट हो गए किसी काम के नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि इनसे जान छुड़ा के चार फास्ट बॉलर ही डालें, हमें इनको नहीं खिलाना है, ये हमें माफ़ कर दें किसी तरीके से। अब मसला क्या है कि आपकी सिलेक्शन किस लिए गलत है, जो शादाब खान ने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ, आपने उसको टेस्ट मैच तक खिला दिया, इतने वो फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला जितने उसको टेस्ट मैच खिला दिए। मैं तो हैरान हूँ इनकी अकल पे और सोच पे कि किस तरीके से उसको टेस्ट मैच खिला सकते हैं। नवाज़ को ये टेस्ट मैच खिलाते रहे हैं यार, अगर एक T20 का बॉलर है आप उसको T20 क्रिकेट तक रखें, फर्स्ट क्लास उसका जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है उसका काम है जो लॉन्ग फॉर्मेट खेलता है आपका कंटिन्यूसली, जिसने लंबे मैचेस खेले हुए पास्ट में, जिस तरह सईद अजमल थे, सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, आपके ये अब्दुलरहमान थे, ये जुल्फकार बाबर थे, सईद अजमल थे, इनके 500-400 विकटे हैं फर्स्ट क्लास में, तो तब आके वो इसमें सर्वाइव कर रहे थे लॉन्ग फार्मेट में। ये 5-5, 6-6 मैचेस वाले अब होता क्या, इन प्लेयर्स का क्या नुकसान हुआ इसमें? हसन अली टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा था, उसको फोर्सफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने वनडे और T20 वाइड बॉल क्रिकेट खिलाई जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो तीनों फॉर्मेट से ही बाहर हो गया। हालांकि उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें ली थी टेस्ट मैच में। अब इधर क्या है, शादाब खान वो T20 का, नवाज़ T20 का, उनको ये ज़बरदस्ती ला के डाल रहे हैं वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। अब हो गया क्या, वनडे क्रिकेट के वो बॉलर नहीं, इस फॉर्मेट से बाहर होंगे और तीनों फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे, उनका कैरियर ही खराब हो जाएगा। ये बजाय डेवलप करने के पहले प्लेयर्स का कैरियर ही बिल्कुल टोटल सिरे से ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट जिस तरह एक हार आपकी काफ़ी अच्छाइयाँ छुपा देती है ना, इस तरह एक जो जीत होती है ना वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें अंडर कारपेट डाल देती है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय कि चीज़ों को अंडर कारपेट डालने के हमें इनसे सबक सीखना चाहिए ताकि आगे हमारी क्रिकेट सफर ना करे। ठीक है, पाकिस्तान के मैच और बैटिंग बॉलिंग के हवाले से हमने डिस्कशन कर लिया, पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। और आज जो दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका है, इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन था वो अब तक सिर्फ एक मैच जीत सका है। सलीम साहब, इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है और साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया की आज जीत ने उनके चांसेस मज़ीद रोशन कर दिए हैं। आज के मैच के हवाले से अगर हम बात कर लें, इंग्लैंड को आखिर हो क्या गया है, डिफेंडिंग चैंपियन थी और इस वर्ल्ड कप से पहले तक वो परफॉर्म कर रही थी, अगर टॉप फोर की जब भी कोई बात होती थी तो इंडिया के साथ इंग्लैंड का दूसरा नाम होता था, एकदम से क्या हो गया? यार ये मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरी सबसे फेवरेट टीम जो थी ना इस वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड थी, क्योंकि अगर आप इनका पिछले सीरीज़ देखें ना तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट क्रिकेट चेंज कर दी थी, इवन टेस्ट मैच में ये 500-600 स्कोर कर रहे थे। यहाँ आके हालांकि ये लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, अच्छा इनकी प्रॉब्लम है गोरों की, मैंने ये आप देखिएगा कि ये ना जब इनका परफॉर्मेंस नहीं करते ना तो ये एकदम बिल्कुल ही वो गिर जाते हैं। और ये इंग्लैंड वैसे ऐसा नहीं था, मैंने और बहुत सारी टीमों को देखा इस तरह, मैंने न्यूजीलैंड को देखा हुआ है गिरते हुए, मगर इंग्लैंड एक बाहर टीम थी वो हमेशा कमबैक करती थी। मगर इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल वो पहली हार जो न्यूजीलैंड से हुई है ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो बड़ी कांटेदार होती है, जैसे हमारी पाकिस्तान और इंडिया के साथ मैच होता है, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाए। और मेरा ख्याल वो डे बाय डे आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस किसी मैच में भी नज़र नहीं आया कि वो वापस आए, हालांकि ये लीग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ इंडिया में आके बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। उनके कैप्टन को देख लें आप, बटलर को तो मैं हैरान हूँ वो इतना परफॉर्म करता है, बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो एकदम बिल्कुल नीचे ही चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है जी, ये तो वो खुद बता सकते हैं। कल के मैच की बात कर लेते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच होने जा रहा है, दो टॉप की टीमें हैं और दोनों क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। राहुल भाई कैसे देखते हैं, कौन जीतेगा कल का मैच? मेरा ख्याल है कि इंडिया को एक काम करना चाहिए, उनको टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को सेकंड बैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि वो चेज़ कर लेते हैं। नहीं वो चेज़ नहीं कर सकते, होते ही नहीं उनसे। दो मैचेस उन्होंने चेज़ पे बड़े क्लोज खेले हैं, एक नेदरलैंड से मैच आ रहे हैं, नेदरलैंड को उन्होंने पहले बैटिंग कराई, नेदरलैंड ने 242 किया, तो इनसे वो 41 ओवर में 241 भी चेज़ नहीं हुआ, वो मैच ये हार गए थे। उसके बाद सेकंड मैच पाकिस्तान वाला था, 271 इन्होंने करना था, तो वो बड़ी मुश्किल से आखिरी ओवर में हमारी अपनी मिस्टेक्स थी कि हमने उनसे स्कोर कराया, अदरवाइज वो भी मैच आ जाते। ठीक है आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो आखिरी मैच में बचा के रखेंगे जब वो आगे इंडिया साउथ अफ्रीका
यार मुझे लगता है इंडिया, देखें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट में अभी तक, और मेरा ख्याल है कि इंडिया कोशिश करेगा कि उनके जो बाहर लोग बैठे हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो कर गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने नए लड़कों को चांस दें। ठीक है, हमारे पैनलिस्ट की जानिब से तो इंडिया को फेवर दे दी गई है कि वही जीतेंगे, और जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहा है ऐसे लग भी रहा है कि शायद ही वो कोई मैच हारें। इस मुताबिक कल के मैच से पहले भी बात करेंगे और मैच के बाद भी डिस्कशन करेंगे। फिल वक्त के लिए स्टूडियो से इतना ही।